अब की बार 1000 करोड़ पार। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर 2 के मेकर्स अब यही नारा लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो घपाघप लाइक दबाते जाओ, वीडियो शुरू करते हैं। सो देखो, बॉलीवुड से अभी मैदान और BMCM आया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया है। अब इसके वजह से नॉर्थ यानी हिंदी बिल्ड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपना पूरा पैसा साउथ की फिल्मों में लगा रहे हैं। जी हाँ, AA फिल्म्स नाम की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने पुष्पा 2 के केवल हिंदी राइट्स को 200 करोड़ में एडवांस बेसिस पे खरीद लिया है। लेकिन भाई, ये एडवांस बेसिस क्या होता है? वेल, इसका सीधा सीधा मतलब है कि AA फिल्म्स ने पुष्पा के मेकर्स को 200 करोड़ रुपए दे दिया है, जिसके वजह से अब हिंदी बॉक्स ऑफिस में पुष्पा 2 को 200 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा। अब ये सारे एग्रीमेंट्स कमीशन बेसिस पर होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर पुष्पा 200 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाती, तो जो भी लॉस AA फिल्म्स का होगा, उन पैसों को पुष्पा के मेकर्स को लौटाना पड़ेगा। बट वी ऑल नो कि पुष्पा की हाइप और डिमांड इतनी ज्यादा है कि केवल हिंदी में ये मूवी अपने पहले ही दिन में 60 से 65 करोड़ की ओपनिंग करने वाली है। अब जैसे कि देसी फ्लिक्स के वीडियो में हमने बताया था कि पुष्पा की म्यूजिक राइट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग 65 करोड़ में बिके हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। वही खबर निकल के ये आई है कि डिजिटल राइट्स यानी OTT राइट्स 250 से 300 करोड़ में बिके हैं। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड बना दिया है। जहाँ नेटफ्लिक्स ने पुष्पा के OTT राइट्स को फिलहाल 250 करोड़ में खरीद लिया है, लेकिन अगर ये मूवी थिएटर में एक सर्टेन अमाउंट कमा लेती है, तब नेटफ्लिक्स को पुष्पा के मेकर्स को और 50 करोड़ देना पड़ेगा। आसान भाषा में पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स वेरिएबल बेसिस में बिके हैं, यानी अब अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा रहता है, तो नेटफ्लिक्स 250 की जगह 300 करोड़ तक पुष्पा के मेकर्स को दे सकती है। अब देखो, ये तो बच्चों को पता है कि ना बॉलीवुड में ना साउथ में ऐसा कोई भी कंपटीटर बचा है जो बॉक्स ऑफिस में इस पुष्पा नाम की सुनामी का सामना कर सके। और भाई, इसीलिए पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही ये 3 ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसे तोड़ने में सालों साल लग जाएंगे। आपको बताते चले तो इसके पहले RRR के पास ये रिकॉर्ड था, जिसका OTT राइट्स 170 करोड़ में बिका था। यानी नंबर 1 और नंबर 2 में मिनिमम 80 करोड़ का डिफरेंस है। क्यों झुका दिया ना पुष्पा ने? वेल, इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि पुष्पा 2 के मेकर सारी भाषाओं को मिलाकर 1000 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं। बॉलीवुड में इस साल सिंघम 3 के अलावा शायद ही कोई ऐसी बड़ी मूवी है जो एनिमल जवान जैसी तबाही बॉक्स ऑफिस पर ला पाएगी, जिसके वजह से AA फिल्म्स पुष्पा 2 के अलावा भी और कई बड़ी तेलुगु फिल्म्स के हिंदी वर्जन पर अपना पैसा लगा रही है। पहला प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि, जिसके हिंदी वर्जन को अब 100 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट रामचरण का गेम चेंजर, जिसे 75 करोड़ में खरीदा गया है। और इसी के साथ जूनियर NTR का देवरा फिल्म का जो थिएटरल राइट्स है, उसे 45 करोड़ में खरीदा गया है। अब जहां एक तरफ AA फिल्म्स वाले बड़ी बड़ी तेलुगु मूवीज पर अपना दांव खेल रहे हैं, वही पेन वाले तमिल फिल्मों में अपना पैसा लगा रहे हैं। जहां इंडियन 2 के थिएटरल राइट्स को 20 करोड़ में खरीदा है, और साथ ही साथ सूर्या के कंगुआ का राइट्स भी उनके पास ही है। एंड भाई, इन सब से ये तो समझ आ ही रहा है कि इस साल हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फिर से साउथ मूवी का ही बोलबाला रहेगा। वैसे आपका इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई, देसी फ्लिक्स का पहला एपिसोड आ गया है, मिस मत करना। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहो, फॉलो और मजे करो।